नमस्कार, डीएनएच न्यूज लाइन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सिलवासा में डॉक्टर और मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट ने सड़कों पर कैंडल मार्च निकालकर भारत सरकार से न्याय की मांग की। बंगाल के कलकत्ता में एक महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर दादरा नगर हवेली के डॉक्टर और मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट ने सड़क पर उतरकर भारत सरकार से तत्काल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का मांग किया। शुक्रवार की शाम को डॉक्टर और मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट ने अपने अपने हाथों में पोस्टर और कैंडल लेकर सिलवासा में सड़कों पर उतर गए और कैंडल मार्च निकालते हुए भारत सरकार से न्याय की मांग की है। इस दौरान कैंडल मार्च में शामिल हुए डॉक्टरों ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। उससे पहले, अगर अभी तक आपने डीएनएच न्यूज लाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें ताकि दादरा नगर हवेली, दमन, दीव एवं आसपास के सभी खबरों से हम आपको सबसे पहले रूबरू करवाता रहूं। धन्यवाद। जो रिसेंटली अगस्त 9 तारीख को जो कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज की एक रेस्पिरेटरी मेडिसिन की रेजिडेंट के साथ जो हादसा हुआ, हादसा नहीं, एक तरह के से जो सबसे बुरा घटना जो हो सकता है एक इंसान के साथ जो हुआ है उनके साथ, उसकी वजह से पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी जो है वो हिल चुकी है। हमारी जो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि जो सेफ्टी होना चाहिए हेल्थ वर्कर का उसके वर्क प्लेस में, ये डिमांड के लिए जो वेस्ट बंगाल के डॉक्टर्स के द्वारा जो स्ट्रगल लीड किया जा रहा है, उस स्ट्रगल को सपोर्ट करते हुए और जो पर्सन की डेथ हुई है उनको मौन करते हुए और उनके साथ जो हुआ उस हादसे को स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स में कंडेम करते हुए हमारा ये मार्च लगभग 400 से 500 डॉक्टर्स मेडिकल स्टूडेंट्स दोनों मिला के हम उम्मीद ज़रूर रख सकते हैं कि जस्टिस मिलेगी। हमारा ये जो कैंडल मार्च था सिर्फ विक्टिम की सॉलिडारिटी, क्योंकि हम लोग हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, है ना, वी आर ऑल डॉक्टर्स, हम लोग पेशेंट के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तो हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि पेशेंट भी हमारे बारे में सोचे, थोड़ा हम ह्यूमैनिटी की तरफ से भी देखें, तो इट इज़ अ वेरी हीनियस क्राइम। तो हम इच्छा तो यही रखेंगे कि जल्दी से जल्दी जो विक्टिम है उसको न्याय मिले और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। मैं एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए डिमांड की है, प्लस एक डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए ऑल ओवर इंडिया के थ्रू। और ये मार्च का मेन मोटिव है कि पब्लिक में और कम्युनिटी में एक अवेयरनेस जाए रिगार्डिंग वुमन सेफ्टी एंड वुमन्स राइट, ये ताकि पब्लिक में एक बेसिक मोरालिटी का नॉलेज हो और फ्यूचर में कोई ऐसा एक्ट अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी ना हो पाए। वुमन अगर कहीं पे कोई लड़की जा रही है वर्क प्लेस पे या कोई कम्युनिटी में रह रही है तो वो समाज में, वो कम्युनिटी में उसको सेफ फील होना चाहिए। हमारा मेन मोटिव ये भी है कि ताकि पब्लिक में एक वुमन सेफ्टी और वुमन राइट्स के लिए एक मैसेज भी जाए। ये रैली हमने अप्रोक्स 3 किलोमीटर के लिए ऑर्गेनाइज की है, यहाँ से लेके झंडा चौक और वहाँ से लेके सुरभि से लेके हम कलेक्टर कचहरी पे एंड करेंगे।